Okay, so today we are going to start mobility of electron. In material, in conductor लिख देता हूँ. ये टॉपिक है. इससे पहले की कुछ नॉलेज मैं आपको बता दूं, कल के डेट पे हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला. फॉर्मूला था VD इक्वल टू ए टाउ, जहां पे VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ए एक्सलरेशन है, और जो टाउ है ये रिलैक्सेशन टाइम है. और इसी को हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे. जहां पे एक्सलेशन स्कोट होता था फोर्स अपॉन मास, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिराइव कर लिया था. VD इक्वल टू ए टाउ ई अपॉन एम इंटू टाउ. ठीक है, अब इसी का यूज करके हम लोग मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझेंगे. वी हैव VD इक्वल टू ए टाउ, ओके, वेयर A is equal to F upon M. Force equal to M into A होता है, वहीं से A is equal to F upon M. और force equal to क्या होता है? Charge into electric field. तो ये हो जाएगा EE upon M. ठीक है? This implies that we can write VD is equal to EE upon M into tau. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E tau upon m into e. ठीक है, और इसमें जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं. Here the term bracket term means is constant. जो bracket term है ये constant है. एक condition लगाते हैं, if temperature is constant. ये कांस्टेंट कैसे है? ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, वो तो कांस्टेंट ही है. टाउ मीन रिलैक्सेशन टाइम है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मीन रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होता है. और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है. तो ले देकर के पूरा ब्रैकेट टर्म जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, और इसी कांस्टेंट नंबर को डिफाइन करते हैं मोबिलिटी. सो पुट ई टाउ एम इक्वल टू मोबिलिटी. मोबिलिटी को म्यू से शो करते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू ई.
इन वन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वी डी स्क्वायर टू म्यू ई इंटू ई ओ आर, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं म्यू ई स्क्वायर टू वी डी अपॉन ई, इसको इक्वेशन नंबर टू लिख देते हैं। और यहां से है हम लोग मोबिलिटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is defined as drift velocity per unit electric field, ठीक है, defined as drift velocity per unit electric field, ठीक है। तो ये मोबिलिटी की एक डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो। जो मोबिलिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी मोबिलिटी की, एसआई यूनिट ऑफ म्यू ई हो जाएगी मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, निकाल दो क्या मैं। वीडी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और ई का कितना होता है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड और ये वोल्ट पर मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा नीचे वोल्ट आ जाएगा, और हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट पे पावर माइनस वन सेकेंड पे पावर माइनस वन। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी एक जनरल यूनिट भी होता है, ठीक है। तो जनरल यूनिट क्या होगी, जनरली it is defined in centimeter square per volt per second, ठीक है। ये जनरल इसका नोटेशन है।